हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स। ठीक है, हम थ्री पार्टिकल्स लेंगे, थ्री सिस्टम में कोई भी थ्री पार्टिकल्स लेंगे। ठीक है, एज्यूम करेंगे कोई भी थ्री पार्टिकल्स, उनकी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसका डायग्राम से हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। छोटी सी डेरिवेशन है, अच्छा है क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो हम कैसे करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ हमारे पास थ्री पार्टिकल्स होंगे कोई भी। तो हम देखो, सबसे पहले हम पहले क्या करते थे कि हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते थे किसी भी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की। वो कहाँ होता था, वो चार्ज पार्टिकल होता था इन्फिनिटी पे। ठीक है, मैंने आपको करवाया हुआ है पहले भी। तो हमारा कोई टेस्ट चार्ज, कोई भी हमारा चार्ज होता था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होता था ए पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होती थी। ये बी, ये हमारा पी पॉइंट, पी पॉइंट होता था यहाँ पर। ठीक है, याद होगा आपको, पहले मैं आपको पिछला वाला याद दिला रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम, यहाँ पर जो एक हमारा टेस्ट चार्ज होता था इन्फिनिटी पर, टेस्ट चार्ज होता था। तो हमें इन्फिनिटी से हम उसको लेकर के आते थे पहले एक पॉइंट पर। ठीक है, एक पॉइंट पर लेकर आते थे जो हमारा पॉइंट बी था। ठीक है, तो अब टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज जब लेकर के आते हैं तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता था इसके अंदर, कोई ना कोई वर्क डन इस पे इसको करना पड़ता था। ठीक है, तो वही बात देखो, सेम हम करेंगे अब थ्री पार्टिकल्स की। ठीक है, अब थ्री पार्टिकल्स हम ले रहे हैं। ठीक है, अब जब स्टूडेंट थ्री पार्टिकल्स हो जाएंगे तो आपका डायग्राम कुछ कैसे क्या बनेगा। यहाँ पर देखो, हम थ्री पार्टिकल्स जो होंगे उनको भी हम इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं, एक टेस्ट, एक चार्ज ले रहे हैं। यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज नहीं ले रहे, टेस्ट हम चार्ज ले रहे हैं, एक प्लस क्यू चार्ज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से हम इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं कहीं भी। तो यहाँ पर हम इसको क्यू वन नाम दे देते हैं। ठीक है, इस चार्ज को, अब इस क्यू वन चार्ज को इन्फिनिटी से हम लेकर के आए हैं यहाँ पर। तो इसको क्या वर्क डन करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। हम इसे पहले जो लेकर के आए थे इन्फिनिटी से यहाँ पर, उसको तो करना पड़ा था। ठीक है, क्यों वर्क डन क्यों करना पड़ता है, वर्क डन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके पास अगर आप किसी और चार्ज को लेकर के जाओगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही था यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्यू, आप यहाँ टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हो इसके पास, तो पहले से ही यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन हो रहा है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव माना जाता है। तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इस पोजिशन पर आने के लिए। ठीक है, तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या इस क्यू वन चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ठीक, क्या इसको करना पड़ रहा है वर्क डन की नहीं करना पड़ेगा। तो इसको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। वो क्यों नहीं करना पड़ेगा, वो इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको डायरेक्ट इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। अगर यहाँ पर देखो कोई भी चार्ज नहीं है आसपास, अगर मैं किसी भी इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वो प्लस प्लस चार्ज नहीं है पहले से प्रेजेंट, तो इसलिए इस पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगेगा। इस कारण से इसको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इजीली हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं कहीं भी अगर हम इसको रखना चाहें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको रख लिया इस Q1 चार्ज को। ठीक है, अब हम इतना डिस्टेंस पर हम लेकर के आ रहे हैं किसको, एक Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इतने डिस्टेंस पर, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है R1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 2 तक ये डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब देखो, अब क्या इस क्यू वन क्यू टू चार्ज को क्या वर्क डन करना पड़ेगा, जी हाँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर रहने के लिए, इसके पास इस पॉइंट पर रहने के लिए ये क्या करेगा, इसको या तो या प्लस चार्ज होगा तो ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इसको फील करना पड़ेगा। इस कारण से इस पॉइंट पर रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम सेम एक और चार्ज लेकर के आएंगे हम क्यू थ्री चार्ज। ठीक है, जो होगा आपका यहाँ पर, हम इसको तीनों को, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो इसके बीच का डिस्टेंस होगा आपका R13, इसके बीच का डिस्टेंस होगा R23। ठीक है, समझ में आ गया, R23 मतलब 2 से लेकर के 3 तक, R ये 13 का मतलब 1 से लेकर 3 तक। तो इसको भी वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब इसको वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के द्वारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा इसके इस चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट पर रहने के लिए इसको भी वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या कुल मिला के बात यह है कि इसको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये हम जब इसको स्टार्टिंग में लेकर के आए थे तो आसपास कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इजिली यहाँ पर ये रह सकता था, लेकिन इसको इसको और इसको रहने के लिए अपने पॉइंट पर
इससे रिपल्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा और इसको इन दोनों से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फील करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वर्क डन करना पड़ेगा इन दोनों चार्जेस को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अपनी मेन डेरिवेशन की, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वोल्ट पोटेंशियल जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज होता है पर यूनिट, लेकिन हम यहाँ पर चार्ज लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज लेकर के चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू इंटू में वी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर वर्क डन फॉर क्यू वन चार्ज, हम बात कर रहे हैं कि क्यू वन चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन लग रहा है। ठीक है, तो हम देखो वर्क डन का मतलब सीधी सीधी बात है पोटेंशियल से। वर्क डन का मतलब किससे मतलब बात हो रही है? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वी, मतलब सेम वही है। अगर इसको वर्क डन नहीं करना पड़ रहा मतलब यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क डन अगर क्यू वन चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो क्यू क्यू वन चार्ज के लिए इंटू में पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ किसका, पोटेंशियल ऑफ वी। वी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सुन, जीरो है। ठीक है, तो वी का पोटेंशियल कितना, ये जो पोटेंशियल जो वी है क्यू वन चार्ज पर वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। पूरा वर्क डन क्या आएगा फिर, यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस कारण से इस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, इस कारण से यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो का होने के कारण यहाँ पर वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन फॉर क्यू वन चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अब निकालेंगे हम वर्क डन ड्यू टू कैरी द चार्ज क्यू क्यू टू। यहां पर वर्क डन क्यू टू निकाल रहे हैं तो वर्क डन भी टू होगा, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू वन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू वन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्यू वन के लिए निकाल रहे हैं। तो हम क्यू, अब क्या है देखो, वर्क डन ड्यू टू कैरी द चार्ज क्यू टू, मतलब क्या है कि अगर हम क्यू टू चार्ज को कैरी कर रहे हैं, यहाँ पर हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से, तो वर्क डन कितना होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो अब देखो हमें वर्क डन निकालना है, तो डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू क्यू टू चार्ज के लिए क्यू टू आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, इस फॉर्मूले को याद रखो, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को यहीं से हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू टू। ठीक है, और पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल किसके द्वारा लगेगा इसमें, इसमें पोटेंशियल लगेगा किसके द्वारा, इसके इसके द्वारा पोटेंशियल लगेगा। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल फील करेगा किसके द्वारा फील करेगा, इस पहले से जो ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट था क्यू वन, उसके लिए उसके द्वारा फील करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन। ठीक है, तो मतलब क्या है देखो, यहाँ पर यह मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ वी जो था वो जीरो था। क्यों था? क्योंकि ये सिंगल चार्ज था अकेले जब हम इसको लेकर के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो था, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर जब इसको लेकर के आए थे तो यहाँ पर ये पहले से प्रेजेंट था, तो इसके द्वारा पोटेंशियल यहाँ पर लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, तो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, क्यू टू इज इक्वल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने। ठीक है, अगर पोटेंशियल किसी चार्ज के ऊपर लगता है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ, रिलेशन पढ़ा हुआ है के क्यू बाय आर। तो यहाँ पर जो आर है, ये जो डिस्टेंस है आर, ये वाला डिस्टेंस कौन सा माना जाएगा, यहाँ क्यू वन से क्यू टू के बीच का ये आर वन डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्यू वन चार्ज का पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन चार्ज है, तो यहाँ पर हम क्यू वन लिखेंगे। ध्यान से समझ लो क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यू टू आएगा क्योंकि हम क्यू टू चार्ज को लेकर के आए थे, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन, तो हम जो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन, क्यू वन का मतलब क्या है कि के क्यू बाय आर। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है पहले से ही, यहाँ पर क्यू वन है, क्यू वन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आर वन टू आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि वर्क डन ड्यू टू कैरी द चार्ज क्यू थ्री। अब वर्क डन कितना होगा जब हम कैरी करके ला रहे हैं चार्ज क्यू थ्री को, कि वर्क डन ड्यू टू कैरी द चार्ज
Q3। अब हम Q3 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तब कितना वर्क डन लगेगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला बताया था मैंने, W इक्वल टू क्या था, Q इनटू में V, ठीक है, पोटेंशियल। तो वर्क डन 3 मतलब कि थर्ड वर्क डन निकाल रहे हैं, तो Q3 होएगा यहां पर Q3 चार्ज के लिए इनटू में पोटेंशियल। अब पहले पोटेंशियल जब ये चार्ज का निकाल रहे थे हम वर्क डन, तो इसके द्वारा पोटेंशियल लग रहा था। अब इस चार्ज का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो किसके द्वारा पोटेंशियल लगेगा? इसके द्वारा, और इसके द्वारा पोटेंशियल लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, फिर प्लस कर देंगे, इन दोनों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा ना, तो फिर लिख देंगे हम पोटेंशियल, दोबारा से पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ठीक है। अब देखो वर्क डन Q इनटू में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या फॉर्मूला क्या होता है, बताया था मैंने के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। वी का जो फॉर्मूला होता है, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, मैंने करवाया था आपको, जिसको याद नहीं वो जाके देख सकता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो Q1 है, तो यहाँ पर Q1 लिख देंगे, के Q1 अपॉन में R। अब ये वो Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, R13। यहाँ पर R13 आएगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, तो के Q2 आ जाएगा यहाँ पर Q2, और Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R23, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसको हम अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, के Q1 Q3 अपॉन R13, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के Q2 Q3 अपॉन में R23। अब ये देखो वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3, तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हमें क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स हम वर्क डन तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, W1 W1 W2 W3, ठीक है। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, W1 का तो जो आपका वर्क डन आया था वो क्या था, फर्स्ट वाले का वर्क डन 0 आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, प्लस W2 का कितना आया था, के Q1 एंड Q2 अपॉन में R12, ये आया था, ठीक है। प्लस अब इसको करेंगे, के Q1, ये W3 का हम पूरा लिख देंगे यहाँ पर, Q3 अपॉन में R13, ठीक है, प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां से हम के कॉमन निकाल लेंगे, के कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस में Q1 सॉरी Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, Q1 Q2 अपॉन R12, सेम लिख दो दोबारा से, Q1 Q3 अपॉन R13 Q2 Q3 अपॉन में R23, ठीक है, ये हो गया। अब ये वर्क डन जो होगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन कि दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया था वर्क डन इज इक्वल टू एक तरह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो तीनों पार्टिकल है, इन तीनों की हम जो वर्क डन निकाला है हमने, वो किसमें स्टोर हो जाएगा, दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से अरेंज करके हम यहां पर लिख सकते हैं कि यू पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी को हम किसे शो करते हैं, यू से शो करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यू, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और बाकी की ये सेम वैल्यू है ऐसे की ऐसी आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में Q2 Q3 अपॉन में R23, ठीक है। ये आ गया आपका रिलेशन जो आपको निकालना था, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसके द्वारा, किसके लिए, ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, थ्री पार्टिकल्स के लिए, तो ये आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हम करते हैं इस डेरिवेशन को। इसमें क्या मेन है, इसमें मेन ये है कि आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, कि आपको स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा डायग्राम, उसके बाद समझना पड़ेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें। यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप कभी यहाँ Q1 लिखोगे या Q2 लिखोगे, लेकिन यहाँ पर Q3 मत लिख देना,
अगर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 लगा रहे हो तो यहाँ Q1 आएगा, ठीक है, ड्यू टू Q2 लगा रहे हो तो Q2 आएगा, क्यों आएगा ये भी मैंने बता दिया अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसी आगे वीडियोस और आते रहेंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।